जिला अस्पताल में ठंड के मौसम में हड्डी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को जिला अस्पताल के ओपीडी में हड्डी रोग से ग्रसित काफी संख्या में मरीजों की लाइन लगी रही, जिसके संबंध में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हड्डी रोग से ग्रसित मरीजों की संख्या ठंड के मौसम में बढ़ जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि हड्डियों में पुरानी चोट होने की वजह से ठंड के मौसम में दर्द शुरू हो जाती है। और जो लोग सूर्य की रोशनी में काम नहीं करते हैं, ठंड के डर से घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है। इस वजह से शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। उन्होंने बताया कि इस मौसम में ज्यादातर गठिया, यूरिक एसिड और पुरानी चोट के मरीज आते हैं और प्रतिदिन 250 से 300 मरीज हड्डी विभाग में देखे जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा, यहाँ कलाई में दिक्कत होती होगी, दिखा दे यहाँ में दर्द होता होगा, इसको ट्यूमर है, ठीक है, और ये इसका इलाज के लिए आपको मिलने वाले हैं। डॉक्टर पी के त्रिपाठी, प्रमोद कुमार त्रिपाठी। देखिए, प्रायः हड्डी के मरीजों की संख्या जो है वो जाड़े में बढ़ जाती है, उसके दो कारण होते हैं बेसिकली। उसमें प्रमुख कारण यह है कि जो पुरानी चोट होती है वो चोट ठंड पड़ने की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, दर्द की वजह से मरीज आते हैं। दूसरे, जैसे सूर्य की रोशनी में पेशेंट काम नहीं करते हैं, ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं, इस वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने से जो है हड्डियों में कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है, इस वजह से भी जो है जगह जगह शरीर में दर्द होता है, इस वजह से पेशेंट की संख्या ज़्यादा। मरीजों में ज़्यादातर जो है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ केसेस आते हैं, फिर जो है गठिया के मरीज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो आते हैं, और पुरानी चोट वाले पेशेंट। बाकी जो ट्रामा वाले केसेज हैं, जो फ्रैक्चर वाले केसेज हैं, वो तो उसी फ्रिक्वेंसी में आते हैं जितना पहले आते रहते हैं, तो इसकी वजह से केसेस बढ़ जाते हैं। कितने मरीज प्रतिदिन? आमतौर पर जो है 250 से 300 पेशेंट के आसपास जो है हड्डी विभाग में देखे जाते हैं।